हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ ह्यूमन वैल्यू। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर नंबर 4 में हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। तो इसको एक बार डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है। और पता कैसे लगाएंगे? वो हम अपने अंदर, विद इन माई सेल्फ, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जब हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मेरे लिए ट्रू क्या है। और ये हमें तभी पता लगेगा जब हम अपने आप को जज करेंगे। ठीक है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन या सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है अपना खुद का एनालिसिस करना। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ अवर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो हमें अपनी वैल्यू पता चलती है। और पीछे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यू का क्या मतलब है। वैल्यू का मतलब ये है कि जो स्मॉलर यूनिट है वो अपने लार्जर ऑर्डर में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। जो स्मॉलर यूनिट है वो लार्जर यूनिट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, उसका क्या रोल होगा लार्जर ऑर्डर में? वी लिव विद डिफरेंट एंटिटी, फैमिली, फ्रेंड, एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज एटसेट्रा, एंड वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अवर रिलेशनशिप विद ऑल दीज। फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइट। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है डिफरेंट एंटिटीज के साथ रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिट के साथ रहते हैं, हम लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, ठीक है, हम लोग कॉलेज में अपने टीचर्स के साथ होते हैं। और इसके अलावा अगर हम एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स की बात करें तो एयर, सॉइल, वाटर के साथ रहते हैं, फिर हम ट्रीज, एनिमल्स के साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता है। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा इन सब के साथ क्या रिलेशनशिप है ना, मेरी क्या वैल्यू है इन सब के साथ, लार्जर ऑर्डर में मेरी क्या वैल्यू है, इन सब यूनिट्स के साथ मेरा किस तरह का रिलेशनशिप है, तो इसको जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो मेथड है वो कौन सा होगा? वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का होगा। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन में मैं क्या करूंगा? अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करूंगा, अपने आप को जज करना शुरू करूंगा। ठीक है, द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज माई सेल्फ, द ह्यूमन मी। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो मेन फोकस है वो खुद ह्यूमन बींग है। मीन्स अगर मैं अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर रहा हूं तो मैं ही अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकता हूं, कोई दूसरा पर्सन जो होगा वो मेरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता। वो मेरा एनालिसिस तो कर सकता है लेकिन सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने का जो काम होगा वो मैं अपने लिए खुद करूंगा। कॉन्टेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज जस्ट फाइंडिंग आंसर टू द फॉलोइंग फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग। अब जनरली हमारे माइंड में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इसमें है द डिजायर गोल। व्हाट इज माय डिजायर और गोल? व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ? और व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग जो है वो ये जानना चाहता है कि उसका लाइफ के अंदर क्या डिजायर है, क्या गोल है, है ना। मैं भी ये जानना चाहता हूँ मेरा क्या डिजायर, क्या गोल है। आप लोग भी जानना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर आपका क्या गोल है, क्या डिजायर है ना। फिर ह्यूमन बींग अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है या कुछ पाना चाहता है, तो वो उसके सेल्फ में, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन रहते हैं। और साथ में ये भी जानना चाहता है कि ह्यूमन बींग का लाइफ में गोल क्या है। सेकेंड है प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स व्हाट इज माई प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिजायर।
तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट देखा कि सबसे पहले ह्यूमन बींग ये जानना चाहता है कि उसका डिजायर क्या और गोल क्या है। जब वो अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता है तो उसे अपने डिजायर और गोल के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ उन डिजायर और गोल को पाने के लिए, अचीव करने के लिए ह्यूमन बींग को कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो जब हम धीरे धीरे अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो डिजायर तो हमारी क्लियर होते ही है, साथ में हमें प्रोग्राम पता चलता है कि हम उस प्रोग्राम के थ्रू अपने डिजायर, अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं और कैसे उसको फुलफिल कर सकते हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेस है उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन बातें हैं, उसको आप स्टेप बाय स्टेप जब समझेंगे तो आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाटएवर इज स्टेटेड इज अ प्रपोजल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट में या सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए जो आपको बताया जाएगा वो एक प्रपोजल की फॉर्म में आपको दिया जाएगा। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं कि अगर आपको कोई प्रपोजल दिया जा रहा है तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, उस प्रपोजल को रिजेक्ट करना है ना, वो आपके हाथ में है। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करें या उस प्रपोजल को हम रिजेक्ट कर दें। तो यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। क्लियर, डोंट स्टार्ट बाय अज्यूमिंग इट टू बी ट्रू और फॉल्स। अब मैंने आपको कुछ एक प्रपोजल दिया, मैंने आपको कोई एक बात बताई है ना, तो उस प्रपोजल को आप पहले से एकदम से ये अज्यूम मत कर लीजिए कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, वो ट्रू है कि फॉल्स है। अब आपको क्या करना है, आपको उसको वेरीफाई करके देखना है। ठीक है, वेरीफाई इट ऑन योर ओन राइट, डोंट जस्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो आपको एक प्रपोजल दिया गया, उसको आपको एकदम से रिजेक्ट नहीं करना है, एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या करना है आपको, उसको आपको वेरीफाई करके देखना है। वेरीफाई आप लोग उसे अपने आप करेंगे। ठीक है, अब किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, मान लीजिए आपको कोई बात बताई जाती है, आप के पास कोई प्रीवियस डेटा अवेलेबल है जो किसी एक्सपेरिमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको मिला हुआ है, तो उसके बेस पे आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करिए, उसके बेस पे आप उसको रिजेक्ट मत करिए। ठीक है, या आपने कहीं स्क्रिप्चर्स, कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, कहीं पर कुछ लिखा हुआ पड़ा हुआ है ना, कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसके बेस पे भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट उसको मत करिए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बताया है ना, आपकी फैमिली ने आपको कुछ बताया, तो उसके बेस पर भी आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करिए और रिजेक्ट मत करिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट चाहिए कि डिसरिस्पेक्ट चाहिए, तो ये एक प्रपोजल है आपके सामने है ना, तो आप एकदम से ना तो इसको एक्सेप्ट करें ना एकदम से रिजेक्ट करें। अब आप क्या करें, इसको वेरीफाई करके देखें ऑन योर ओन राइट। जब आप वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास जो पावर है वो कौन सी है, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस है। वेरीफाई द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो अब आप ये अपने आप से काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में आपको ट्रस्ट चाहिए या मिसट्रस्ट चाहिए है ना, या रेस्पेक्ट चाहिए या डिसरिस्पेक्ट चाहिए। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस से जब वेरीफाई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। तो वेरीफाई जब आप करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, नेचुरल एक्सेप्टेंस आप यूज करेंगे। ठीक है, आगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे इसका नेक्स्ट स्टेप है कि जब आपने उसको वेरीफाई करके देख लिया तो अब अगर आपको लगता है कि इसको ये जो प्रपोजल दिया जा रहा है ये बिल्कुल सही है, तो अब आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को चलाइए, उसको अपने जीने में लेके आइए और उसको वैलिडेट करिए, उसको वेरीफाई करिए है ना। तो जब आप अपने जीने में ले आएंगे किसी बात को
तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेरा जीना जो हो रहा है वो हारमोनी के टूवर्ड्स हो रहा है या हारमोनी के अपोजिशन में हो रहा है। अगर वो हारमोनी के फेवर में हो रहा है तो मीन्स आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लायक है, और अगर वो हारमोनी के अपोजिशन में हो रहा है तो आप उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ द प्रपोजल इज ट्रू इन बिहेवियर विद ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अब देखिए, जो आपको प्रपोजल दिया गया है और वो आपके बिहेवियर में आता है ना, और वो बिहेवियर आपका किसके साथ होगा, दूसरे ह्यूमन बींग के साथ होगा। अगर वो प्रपोजल ट्रू होगा तो दोनों पर्सन कैसे रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे, उनके बीच में म्यूचुअल हैप्पीनेस बनी रहेगी। अगर वो प्रपोजल ट्रू है वर्क के सेंस में, काम करने के सेंस में, तो जनरली जो हम काम करते हैं वो रेस्ट ऑफ द नेचर पे काम करते हैं, है ना। ह्यूमन बींग को एक तरफ कर लिया जाए तो बाकी जो बच गया वो रेस्ट ऑफ नेचर बच गया, है ना, उस पर हम वर्क करते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्क जिसकी बात हो रही है। तो अगर प्रपोजल आपका ट्रू है तो रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ आपकी जो एक फीलिंग बनेगी वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की बनेगी, मींस नेचर की तरफ से, है ना, नेचर की तरफ से आपको हमेशा ही प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी, और आप ये भी कह सकते हैं कि आप नेचर का कभी भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। तो आगे हमने इसको, जो हमारा पूरा सेल्फ प्रोसेस है, उसको एक छोटे से फिगर के फॉर्म में आपको समझाया है कि आपको जो है एक प्रपोजल दिया गया, प्रपोजल अगर आपको मिल गया तो आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करना है। ठीक है, उसको आपको वेरीफाई करके देखना है। जब आप वेरीफाई करके देखते हैं तो स्क्रिप्चर के बेस पे, रीडिंग के बेस पे या अदर्स के जो व्यूज हैं उनके बेस पे आपको उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना है, आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करना है, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। और जब आप नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे किसी चीज को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो आपको दो प्रपोजल मिलेंगे। ठीक है, जब दो प्रपोजल मिल जाएंगे तो आपके लिए, क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस से आपने वेरीफाई किया है, तो अगर ह्यूमन बींग के साथ बिहेवियर में वो प्रपोजल ट्रू है, एक्सेप्ट करने लायक है, तो दोनों पर्सन जो है वो हमेशा हैप्पी रहेंगे। और नेचर के रिस्पेक्ट में आपने उस प्रपोजल को ट्रू माना है, ट्रू समझा है, तो नेचर की तरफ से आपको हमेशा प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी, नेचर का कभी भी आप लोग एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, खुद अपने आप का इन्वेस्टिगेशन करना, खुद अपने आप को जज करना, ठीक है, और प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर यही एंड करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं। थैंक यू।